गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको निकिस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटू सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके ऑल करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँचे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब मैं लखीमपुर में रहती हूं तो मैं अपनी सारा दिन कैसे बिताती हूं। मेरी आज की इस वीडियो में आपको एक सिंपल एंड इजी सा रेसिपी भी मिलेगा। सो रेसिपी देखने के बाद आप लोग सोचेंगे कि ये इतना इजी सा रेसिपी क्यों शेयर कर रही है, ये तो बनाना सबको ही आता है। लेकिन मैंने ये वीडियो सिर्फ बैचलर्स के लिए ही ये रेसिपी शेयर किया है, और जो नए नए खाना बनाने सीख रहा है उनके लिए ये रेसिपी मैंने शेयर की है, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके। सो एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं चॉपिंग करूँगी और सारे इंग्रेडिएंट्स जो रेसिपी के लिए चाहिए होंगे वो सारे मैं तैयार कर लूँगी। मैंने सारी चॉपिंग कर ली है। अभी कुछ कपड़े हैं जो मैंने भिगो के रखा था, सो वो मैं धो लेती हूँ और उसके बाद छत पे जाएंगे और वहाँ से आप लोगों के साथ मैं बालकनी का व्यू लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो जल्दी जल्दी मैं जाके कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो धूप चली जाएगी और कपड़े नहीं सूखेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों के साथ कुछ देर बाद। छत से आके मैं खाना बनाने लग गई। एक पैन को मैंने रख दिया गरम होने के लिए। जब पैन गरम हो गया तो उसमें मैंने डाला तेल। तेल गरम होते ही उस पर मैंने डाला आलू। आलू को हम लोग फ्राई कर लेंगे नमक और हल्दी के साथ। आलू को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। सेम पैन में मैं अंडे भी फ्राई कर लूँगी। अंडों को भी हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और जब भी एक बार गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम लोग तेल से निकाल लेंगे।
यहाँ आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग आलू को भी निकाल लेंगे। उसके बाद सिनेमन स्टिक जो हम लोगों ने लिया था वो हम लोग तेल में छोड़ेंगे। थोड़ा फ्राई होते ही साथों साथ हम लोग डाल देंगे प्याज और उसको ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। उसमें हम लोग जो मसाला प्रिपेयर करके रखा था वो हम लोग ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले को तब तक फ्राई करनी है जब तक कि ना मसाले तेल छोड़ दें। एक बार मसाला फ्राई हो जाए तो उस पर हम लोग ऐड कर देंगे अंडे और आलू जो हम लोग पहले से ही फ्राई करके रखे थे। उसके बाद सब कुछ मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। एक बार सब कुछ फ्राई हो जाए तो उसमें हम लोग पानी डालेंगे और इसको उबाल आने तक ढक के हम लोग अच्छे से पका लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि फ्लेम लो होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेंगे कि आलू अच्छे से बॉईल हुई कि नहीं। अगर हो गई तो आपका सिंपल एंड इजी सा बैचलर स्टाइल एक मसाला करी रेडी है सर्व करने के लिए। आप लोग इस रेसिपी को रोटी, पराठा, पूरी, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।